कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं है आजकल? अरे हाँ, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और अभी से इतनी गर्मी लग रही है, न जाने कैसा हाल होगा बाद में। और इस शदीद गर्मी से राहत पाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। आज हम बात करेंगे वी गार्ड के एरोट्रॉन D90H डेजर्ट एयर कूलर की, जो देता है आपको लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग, ऐसा लोग कहते हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसके डिटेल्ड फीचर्स के बारे में बताएंगे। ये दोस्तों वी गार्ड एरोट्रॉन D90H का बॉक्स काफी बड़े साइज में आता है। नीचे की तरफ यहाँ पे मेंशनड है एरोट्रॉन D90H, देन यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स की आपको वारंटी मिल जाती है। एक्स्ट्रा टॉल डेजर्ट मॉडल है ये। यहाँ पे आपको मिलते हैं वाइडर फैन ब्लेड्स फॉर पावरफुल कूलिंग। बॉक्स के राइट साइड में कुछ चीजें मेंशन कर दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सुपीरियर परफॉर्मेंस, बेस्ट इन क्लास एयर डिलीवरी आपको मिलती है, एरोडायनेमिकली बैलेंस्ड बॉडी है फॉर बेटर स्टेबिलिटी, टेट्रा एयर फ्लो आपको दिया गया है फॉर एफिशिएंट एयर सर्कुलेशन, यूनिट ड्रिप फ्लो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे कि वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होती है। ये इन्वर्टर पे भी वर्क करता है, कोरोजन रेसिस्टेंट ब्लेड दिए गए हैं। जो वाटर का टैंक है वो भी बड़े साइज में आपको देखने को मिलता है। वाटर फिलिंग का प्रोसेस काफी आसान है। एनहेंस प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है मेन मोटर एंड पंप के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है कॉर्ड वाइंडिंग प्रोविजन और वाइड वोल्टेज कवरेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये वर्क करता है 160 वोल्ट से लेकर के 270 वोल्ट तक, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन बात है। सो लेट्स ओपन द बॉक्स। ये है दोस्तों वी गार्ड का डेजर्ट एयर कूलर एरोट्रॉन D90H। पैकेजिंग काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। आइए इसे भी ओपन कर लेते हैं। कूलर के टॉप पे आपको देखने को मिलती है यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, और इसको आपको संभाल के रखना है फॉर क्लेमिंग दी वारंटी। मैनुअल के अंदर इंस्टॉलेशन प्रोसेस को मेंशन कर दिया गया है, काफी आसानी से आप इसकी इंस्टॉलेशन को कर पाएंगे। बाकी बॉक्स के अंदर आपको 5 व्हील्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आप कूलर की मूवमेंट काफी आसानी से कर सकेंगे। यह है दोस्तों इसका व्हील, और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है व्हील की काफी जबरदस्त है। आइए इसको इसके बेस में इंस्टॉल कर देते हैं कूलर के। दोस्तों ये काफी बड़ा और स्टाइलिश लग रहा है, रूम को मतलब एक क्लासिक लुक देगा। फ्रंट का जो दोस्तों डिजाइन प्रोवाइड किया है वी गार्ड ने, काफी ज्यादा मॉड्यूलर एंड क्लासिक डिजाइन है। कूलर के फ्रंट साइड में आपको एक सर्कुलर पैटर्न देखने के लिए मिलता है इसकी विंड स्क्रीन पे। यहाँ पे मेंशन किया गया है लास्टिंग कूलिंग इनसाइड। राइट साइड में एरोट्रॉन सीरीज मेंशन करी है वी गार्ड ने अपने कूलर पे, और ये जो मॉडल है वो है D90H जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा टॉल डेजर्ट मॉडल है, यानी कि इसका जो एयर थ्रो है वो लॉन्गर डिस्टेंस पे जाएगा, तो दूर से भी आपको ठंडी हवा का मजा आएगा। नंबर्स में कहें तो इसका एयर थ्रो डिस्टेंस 16.7 मीटर्स है और एयर डिलीवरी 5550 मीटर क्यूब पर आर है। कूलर की दोस्तों जो हाइट है वो बेड रेज लेवल तक है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको बेड के लेवल तक अच्छी ठंडी हवा मिलने वाली है, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। टॉप पे दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको कूलर में 2 डायल्स देखने को मिलते हैं। लेफ्ट डायल से आप इसके फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक है हाई स्पीड, दूसरी है मीडियम स्पीड और थर्ड है लो स्पीड। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इस डायल को यूज करके। सेकेंड डायल में आपको कुछ फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है कूल का। यहाँ पे इस कूलर का पंप ऑन हो जाता है कूल ऑप्शन को सिलेक्ट करके। देन आपको मिलता है कूल प्लस स्विंग ऑप्शन। यहाँ पे आप कूलिंग के साथ साथ इसकी जो विंग्स हैं उसको स्विंग कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दोस्तों देन आपको मिलता है स्विंग का ऑप्शन। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पंप है कूलर का पंप, वो आप यहाँ पे बंद करके सिर्फ स्विंग के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको खाली फैन चलाना है, उसके साथ आप स्विंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इस तरीके से यूज कर पाएंगे। और जहां तक बात करें इसके नॉब की क्वालिटी की, तो काफी अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिलते हैं। काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड की है वी गार्ड ने। इसके अंदर थिकर हनीकॉम एंटी फंगल कूलिंग पैड्स दिए गए हैं, जो एयर को ज्यादा कूल करते हैं। दोस्तों वी गार्ड ने इस कूलर में यूनिट ड्रिप फ्लो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज किया है, जिसकी वजह से जो हनीकॉम पैड्स हैं इसके ऊपर वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म तरीके से होता है। इससे हेल्प मिलती है यूनिफॉर्म कूलिंग करने में। मजे की बात दोस्तों ये है कि इस कूलर के अंदर आपको आइस चेंबर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप और भी ज्यादा ठंडी हवा का मजा उठाना चाहते हैं, तो इसके वाटर इनलेट में आप आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं और इंस्टेंट कूलिंग का मजा ले सकते हैं। वी गार्ड एरोट्रॉन D90H के अंदर आपको वाटर टैंक कैपेसिटी 90 लीटर्स की देखने को मिलती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म यूजेज के अंदर बार बार इसके अंदर वाटर को रिफिल नहीं करना पड़ता है। कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर और टाइमली रिफिल रिमाइंडर भी है,
जिससे आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, ये आपको खुद ही बता देगा। एक और एक्साइटिंग फीचर इस कूलर का ये है कि ये लो पावर कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से आप इसे इन्वर्टर पे भी यूज कर सकते हैं। वोल्टेज रेंज की बात करें तो ये कूलर कैपेबल है 160 वोल्ट से लेकर के 270 वोल्ट तक की रेंज में चलने के लिए। यानी कि ये कूलर गांव में यानी कि रूरल एरियाज में जहां पे वोल्टेज कम हमें देखने को मिलती है वहां पे भी आसानी से वर्क करता है, साथ ही साथ शहरों में अर्बन एरियाज में आप इसको काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वी गार्ड आपको ऑफर कर रहा है 2 ईयर्स की वारंटी इसके वाटर पंप एंड मोटर पे। एंड पर्सनली इन माई ओपिनियन ये कूलर काफी ज्यादा जबरदस्त फीचर्स के साथ आता है, जो आपको लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग प्रोवाइड करता है। बाकी दोस्तों हम भी जानना चाहते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है इस कूलर के लिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। बाकी दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है इस कूलर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पर पहली बार ये वीडियो देखी है तो टेक थेरेपी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिर मिलते हैं आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इसी तरह हैव अ नाइस डे।